किसी भी देश की तरक्की में नगरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से तीव्र गति से नगरीयकरण हुआ है। प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए विगत 4.5 वर्षों में नए निकायों का गठन एवं विस्तार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया, जिसने हर देशवासी को गर्व व सम्मान का एहसास कराया। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करते हुए सभी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त कराया गया। कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर उसके निस्तारण तक की व्यवस्था के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का कार्य प्रारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश की स्थानीय निकायों ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया, जिसके माध्यम से देश के कई राज्यों ने शहरी विकास की राह अपनाई। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की बेहतर प्रगति एवं अभिनव प्रयोगों के कारण देश में प्रथम रहा है। आधुनिक तकनीकों से युक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नागरिक सुविधाओं की सुगमता एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों का राज्य स्मार्ट सिटी में विकास करने की अभिनव पहल की गई है। 2017 से पहले बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 स्तंभ सामाजिक समता, पर्यावरणीय सुरक्षा और आर्थिक सक्षमता को ध्यान में रखकर कार्य किए। 4.5 साल में ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनौतियों को अवसर में बदला और नगरीय विकास को नई ऊंचाइयां देकर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को सर्वाधिक पक्के घर देने में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निर्माण तकनीक के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश में रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वाधिक लोन वितरित किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदेश के शहरों में परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट लगाई गई। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बस एवं मेट्रो रेल का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य भी प्रगति पर है। अमृत मिशन के अंतर्गत पिछले 4.5 वर्षों में हर घर जल की परिकल्पना को साकार करने एवं सीवरेज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का व्यापक कार्य किया गया है। सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा एसटीपी के संचालन के लिए वन सिटी वन ऑपरेटर के रूप में उत्तर प्रदेश में अभिनव प्रयोग किया गया है। प्रदेश के नगर निगम महापौर के नेतृत्व में शहरी विकास की आज नई परिभाषा लिख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन शहरीकरण ही इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मुख्य कारक है। निकायों में वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ एवं चुस्त दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की शहरी निकायों में राजस्व बढ़ाने के लिए जीआईएस सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में शहरों का विकास होने से आम जन जीवन आसान हो रहा है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में शीर्ष भूमिका निभा रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश।